हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डीआरडीओ की वैकेंसी आई है, उसका जो एग्जाम होगा उसके बारे में, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या रही थी लास्ट टाइम, ठीक है, एग्जाम की, और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। तो जो सिलेबस है उन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली ESC का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है, ठीक है। तो आप ESC का सिलेबस सर्च करोगे वो भी मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा, इन्होंने जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था साइंटिस्ट बी का, वो DRDO की वेबसाइट पे है, ठीक है। तो सिलेबस देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि CSC में ESC का एग्जाम नहीं होता, तो उसका भी सिलेबस है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये सब क्या आ जाएगा, EDC आ जाएगा, जो गेट में हम पढ़ते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसमें थोड़ा सा पार्ट नेटवर्क आ गया, ठीक है, बाकी फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर हो गया, DC मशीन, ये सब चीजें जो हम गेट में नहीं पढ़ते हैं AC वाले, ठीक है, ये अलग पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल साइंस पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है। मेजरमेंट आ गया, ये भी गेट में नहीं है, अपना नेटवर्क है गेट में, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो गेट में नहीं है बट इसमें पढ़ सिलेबस में आती है, जैसे ग्राफ्स हो गया, और ये एनालॉग और डिजिटल सर्किट कॉमन हो गया, ये पूरा कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो गेट में है बट गेट में बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा, तो ये हमें गेट से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। EMFT तो वही हो गया, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी ऐसा है कि VLSI टेक्नोलॉजी, कुछ चीजें इन्होंने सिग्नल सिस्टम की दी हुई है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर गेट में नहीं है, अब इसमें है, माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और एडवांस कम्युनिकेशन ये चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये पूरा EC का सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ये ESC पेपर नहीं होता, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, तीनों के सिलेबस का लिंक, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस वाले अपने हिसाब से देख सकते हैं, उनका डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, क्योंकि दो एग्जाम होने वाले हैं। तो ये बात होगी सिलेबस की, आपको गेट और प्लस उससे एक्स्ट्रा जो है कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। अब इसी का भी एक मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, ये जो है आई थिंक जो अभी जैसे एडवर्टाइजमेंट 140 आया है, ये 136 एडवर्टाइजमेंट था, उसका एग्जाम है, ठीक है। मतलब जो अभी आया है उससे पहले एक आया था, उससे पहले वाले का, ठीक है, जो करंट एडवर्टाइजमेंट है उससे पहले वाला जो वैकेंसी आई थी वो कैंसिल कर दी थी उन्होंने। तो अगर देखो दो पेपर होते हैं, तो पेपर 1 सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, जो EC का सिलेबस दिया हुआ है, लाइक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, नेटवर्क थ्योरी, तो ये सब्जेक्ट का है पेपर 1, ठीक है। और क्या पैटर्न होता है, देखो 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल, दो सेक्शन में, ठीक है, और उसमें से आपको 5 करने होते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी है, और उसके बाद जो बचे हैं 3 क्वेश्चन हर पार्ट में, उसमें से मिनिमम एक करना है। तो आप किसी एक पार्ट में 2 क्वेश्चन करोगे, किसी एक में 3 क्वेश्चन करोगे टोटल। और जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 है उसमें सब पार्ट है, देखो ABCDF 6 क्वेश्चन, तो इसका मतलब अगर मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए मिनिमम 3 पार्ट तो होंगे ही होंगे, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक में, और मैक्सिमम 3 4 5 6, तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, यानी कि हमें 20 क्वेश्चन टोटल करने पड़ेंगे, 5 × 4, ठीक है। ये पेपर हो गया, तो इसका मैं बताता हूँ पैटर्न। जैसे 2 पार्ट में आएगा ना पेपर, एक तो 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, हर पार्ट में क्या रहेगा, एक एक पार्ट होगा ए, एक पार्ट होगा बी, टोटल मार्क्स होंगे 300, टोटल टाइम जो होगा वो होगा 3 घंटे, ठीक है। अब देखो टोटल एक पेपर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पार्ट बी में फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है।
हमें करने कितने हैं, 5। ठीक है, हर क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का। तो देखो पहला क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये दोनों तो कंपलसरी हैं, मतलब दोनों पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कहने लगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तीन क्वेश्चन बचे हैं तो ये करना है कि इनमें से एक चूज करना है, मिनिमम एक, यानी कि मैं एक या दो चूज कर सकता हूँ। सपोज करो कि अगर मुझे इस पार्ट में ओनली तीन क्वेश्चन आते, तीन नंबर आता है, तो मुझे इस पार्ट में से दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जैसे 6 और 8। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पार्ट बी में सिर्फ 6 क्वेश्चन आता है, मैंने चूज किया कि मुझे 7-8 में इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मुझे पार्ट ए में 2 क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, तो ऐसे। ठीक है, तो इस हिसाब से चूज करना है। टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, पहला फिफ्थ कंपलसरी है और मिनिमम एक पार्ट से 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पार्ट में एक क्वेश्चन करो, दूसरे में 4 कर दो, ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं करना है। और अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जो अपने बेसिक सब्जेक्ट होते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बस इसमें चैलेंज ये होता है कि पेपर पूरा करना। ठीक है, जैसे अभी नेटवर्क है, ये बहुत नोडल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट इसकी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम इसको जल्दी जल्दी कर दें। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, अगर मैंने बताया 5 क्वेश्चन है, इसमें मान लो पार्ट के होते हैं, ठीक है, 4 ऑन एन एवरेज 4 पार्ट। ठीक है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो 20 क्वेश्चन होंगे हमारे पास टोटल अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पैटर्न, दोनों पेपर में सेम पैटर्न रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो मतलब आगे कैसे पेपर के बाद इंटरव्यू और फाइनलिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे ये था किसी का मार्कशीट है, सबसे पहले तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, दोनों 300-300 मार्क्स, मतलब आपके 300 में आए इतने, 300 पेपर 2 में आए इतने, और आपके टोटल 600 में इतने पेपर नंबर आ गए। वो जो कट ऑफ डिसाइड की थी उन्होंने इंटरव्यू के लिए, वो ये है ना कि 282 कट ऑफ थी ईसी के लिए। ठीक है, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो पेपर पे डिपेंड करता है। अगर आपका पेपर बहुत आसान आ गया तो 350 भी चले जाए, है ना, अगर बहुत ही आसान आ गया, अगर बहुत मुश्किल आ गया तो 250 भी चले जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ एक देखने के लिए कि हाँ किस हिसाब से कट ऑफ जा सकती है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है टोटली। और इसमें वैसे सीट्स बहुत ज्यादा हैं तो कह सकते हैं कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, 300 से ऊपर तो जाने का चांस नहीं है अगर बहुत ही ज्यादा आसान आया तो। देखो अब हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब अगर 282 से ज्यादा मार्क्स थे रिटर्न में तो आपका इंटरव्यू होगा। तो देखो 282 से ज्यादा मार्क्स है और फिर इंटरव्यू मार्क्स आए 71, तो इसको कैसे करना। देखो 100 मार्क्स में से 80% जो है वो तो रिटर्न की वेटेज है, प्लस 20% जो है वो इंटरव्यू है। तो इसका मतलब जो आपके टोटल मार्क्स आएंगे 600 में से, उसको 80 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। जैसे 314/600, इसको अगर मैं 80 में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे बन रहे हैं 40.86.86, ये 80 में से बन रहे हैं। ठीक है, 80 में से इतने मार्क्स बन गए और प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू जो है 71, ये 100 में से है। अब इसको 20 में से बना लो, 71/5, ये आ गया 14.2/20 इस हिसाब से। ठीक है, और जो टोटल 100 में से बन जाएगा वो बन जाएगा 41+41.86, 56.06/100। ठीक है, ये फाइनल मार्क्स बनेंगे आपके, देखो इसमें जो बने हैं। ठीक है, और उसके बाद कट ऑफ आएगी, जैसे कट ऑफ थी 59 बट बनी। ठीक है, तो इसका मतलब इस 56 में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कर सकते, मतलब इंटरव्यू का भी अच्छा इफेक्ट है अपना, कि अगर इंटरव्यू में ही 80 तक आ जाता तो शायद हो सकता सिलेक्शन, नहीं उससे भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा आएगा फर्दर क्या होने वाला पैटर्न। इसके बाद अगर हम बात करें प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहली बात कि जैसे हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं,
कि हमें पता है सबसे पहले तो हम कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है, कुछ भी हमने पढ़ा, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, गेट के अकॉर्डिंग हम उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें इसमें भी यही चीज करनी है, इसमें अपने को राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दूं, अब नोडल वाला क्वेश्चन है, अगर ये गेट या किसी उसमें एग्जाम में आता है, लाइक कोई भी स्टेट का आ गया, ठीक है, जहां पे अपने पास ऑप्शंस हैं, तो इसमें अपने को रफ में सॉल्व करना है, ठीक है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा बस नोडल लगाया, रफ में सॉल्व किया, काम खत्म, ठीक है। और उसमें क्या होता है, गलती भी हो गई अगर आपकी, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एक्स्ट्रा शीट है, उसमें कट किया, दोबारा किया, और इसमें अपने पास ऑप्शन रहेगा, प्लस पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर सही है। अब रिटर्न में क्या होता है, सबसे पहले तो फ्लो कि स्लो आना चाहिए। अब अगर मेरे पास ऑलरेडी मैंने नोडल के दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है रिटर्न में, ठीक है, कि ऐसे ऐसे लिखना है, तब जो एग्जाम में भी मेरा फ्लो बना रहेगा, मुझे वो सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो अपने दिमाग में होगा कि हाँ ऐसे करना है, तो वो काम आएगा राइटिंग से, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, यही जो पेपर है डीआरडीओ का, इसको सोल्व करके देख लो, और आपके पास मटेरियल क्या हो सकता है, कहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्वेश्चन या तो ईएससी के मिल सकते हैं आपको, ईएससी की पीवाईक्यूज, ठीक है, वो चीज हो सकती है, एक जो ईएससी की टेस्ट सीरीज होती है ना इंस्टीट्यूट्स की, ईएससी मेंस, ठीक है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो ये आपका सोर्स हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और अगर देखा जाए, अभी आपके पास दो चीजें हैं जो सिलेबस है, एक तो है गेट का, एक है नॉन गेट एक्स्ट्रा, ठीक है, और मोस्टली जो है अगर ये गेट के स्कोर पे बेसिस पे है, तो अगर आपका रैंक 1000-1500 इतना है, तो इसका मतलब आपको गेट का तो आता है, ठीक है, कंसेप्ट आते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो जो गेट वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे सपोज करो नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क हो गया, डिजिटल हो गया, तो इसकी तो आप अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना, तो बस इसके पेपर उठाओ, डीआरडीओ का पेपर उठा लो, ईएससी के प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज कहीं से भी, या किसी बुक के पीछे, तो उसको एक क्वेश्चन जो है देख के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि गेट करते करते हमें आता है क्वेश्चन सॉल्व करना, बट स्टेप लिखने नहीं आते कई बार, तो वो चीज करते रहो, प्रैक्टिस करो, जितना लिखना है, जितना मैक्सिमम लिख सकते हो वो लिखो, कि A4 शीट्स ले लो, उस पे लिखना शुरू कर दो, ठीक है, जो गेट वाले हैं, और कुछ नहीं है। अगर आप पेपर भी देखोगे, काफी क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे हैं, अगर बात की जाए, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप कहीं ना कहीं से पढ़ो, और फिर साथ साथ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ना पड़ेगा, मटेरियल साइंस, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप पैरेलल में चला लो, कि आप इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ टाइम, और ये भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो दोनों चीज पहले करनी ही पड़ेंगी, ये सारा सिलेबस भी नहीं छोड़ सकते, इसमें से अगर कुछ छोड़ना है तो बात की बात है, ठीक है, जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या एडवांस कम्युनिकेशन हो गया, वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको अगर छोड़ना चाहो तो बाद में, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देना, बट ये चीज नहीं छोड़ना कि गेट में जितने सब्जेक्ट्स हैं उसकी तो सबकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके अलावा तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, पैटर्न देख लिया, कट ऑफ, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, ईसी का पेपर 1 भी है मेरे पास, और पेपर 2 भी, ठीक है, देख सकते हो। ये पेपर 2 है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऑफ क्लोज लूप दी हुई है, हमें रूट लोकस प्लॉट करना है, ठीक है, तो देखो रूट लोकस हम सबको आता है, रफ में सबको आता है, बस थोड़ा अपने को स्टेप वाइज करना आना चाहिए, ठीक है, तो उसके अगर दो क्वेश्चन आप देख के भी कर लोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी।
ठीक है, तो इतना मुश्किल चीज नहीं है। तो इसके अलावा कुछ डाउट तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस जो है इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और पेपर भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, ग्रुप में आ जाओगे तो मैं ग्रुप में पेपर भी डाल दूंगा, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।